हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, में चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है द करंट आई थ्रू द बैटरी इज 7.5 मिली एम्पियर। दूसरे ऑप्शन में गिवन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरएल इज 18 वोल्ट। थर्ड ऑप्शन में गिवन है रेशियो ऑफ पावर्स डिसिपेटेड इन R1 एंड R2 इज 3 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो एक फिगर हमें गिवन है, सर्किट गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला काम हमारा है बच्चों की सर्किट को हम सिंप्लीफाई करते हैं कि एक सिंप्लीफाई फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूं तो पहली चीज मुझे क्या दिख रही है, पहले मुझे यहां पे एक बैटरी दिख रही है। बैटरी को हम वैसे का वैसा रखेगा, उसका जो EMF 24 वोल्ट का है और बैटरी में से जो करंट निकल रहा है वो कैपिटल I गिवन है। दूसरी चीज यहां पे एक रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम का, ठीक है, जिसका नाम गिवन है R1। अब बच्चों यहां पे देखना, ये 6 किलो ओम जो R2 है और ये 1.5 किलो ओम जो कि RL है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है बच्चों। तो उसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस में कोई भी लिख सकता हूँ, लेट अस सपोज कि मैं R- लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब R- क्या होगा, तो R- में यहाँ पे नीचे लिखता हूँ या फिर बाजू में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। R- क्या होगा बच्चों, R- होगा इन दोनों का पैरेलल, कौन कौन का, तो R2 और RL इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा, R2 प्लस RL, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसको रिजोल्व करते हैं तो ये है 6, ये है 1.5 और नीचे 6 इंटू 1 प्लस 1.5 हो जाएगा 7.5। बच्चों ये 6/5 आएगा, यानी कि 6/5 ही लिखते हैं, 6/5 किलो ओम। तो ये आ गया हमारा R-। अब बच्चों इस सर्किट को और भी सिंप्लीफाई करते हैं, और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो कि ये R- और R1 ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बैटरी जिसका EMF है 24 वोल्ट, जिसमें से करंट निकल रहा है I, और ये दो रेजिस्टेंस मिला के अब हम एक ही रेजिस्टेंस बनाएंगे, क्या, क्योंकि दोनों सीरीज में है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ R equivalent, ठीक है। अब इस R equivalent की वैल्यू कितनी होगी, तो R- और R1 दोनों सीरीज में है, मतलब कि दोनों ऐड हो जाएंगे R1 प्लस R-, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 2 + 6/5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अगर मैं LCM लेता हूं तो ये 10 + 6 यानी कि 6/5 हो जाएगा किलो ओम। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि सारे जो रेजिस्टेंस है वो किलो ओम में है, क्या मतलब कि हमारा जो करंट आएगा वो मिली एम्पियर में आएगा, तो चांसेस है कि पहला ऑप्शन सही हो जाए। अब दूसरी चीज, ये मैंने सर्किट रिजोल्व कर ली, अब मैं क्या टोटल करंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। टोटल करंट क्या होगा, ओम्स लॉ लगा दो, V/R equivalent। अब V कितना गिवन है बच्चों, 24, रेजिस्टेंस हमारा कितना आया है 16/5 किलो ओम, क्योंकि ये किलो ओम में, तो आंसर मिली एम्पियर में आएगा बच्चों, क्योंकि 10^3 नीचे रहेगा ना, यहाँ पे 24, 8 3 8 2 जा, तो ये आएगा 15/2 मिली एम्पियर, मतलब कि 7.5 मिली एम्पियर आ जाएगा बच्चों। वही तो हमें ऑप्शन ए में गिवन है, मतलब कि ऑप्शन ए हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें नन ऑफ दिस गिवन है, ऑप्शन 1 तो आ रहा है। अब दो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 क्या वो सही है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। पहले देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL इज, तो बच्चों RL के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या सेम पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अगेंस्ट होगा, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो मैं काम करता हूं, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेजर कर लेता हूं, वही हमारा RL के अक्रॉस होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें I पता चल गया, तो सेम I R1 में जाएगा, सेम I R- में भी जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, V R1, मतलब कि R1 के अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकल लेता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, I × R1। I कितना गिवन है हमें, 15/2 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10^-3, और R1 कितना है, 2 किलो ओम, किलो मतलब 10^3, -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा पावर, ये आ जाएगा 15 वोल्ट, ठीक है। अब VR2 आप R2 बोल लो, R- बोल लो, या RL बोल लो, सारी चीजें एक है बच्चों, इन दोनों पैरेलल में है, ठीक है, इन तीनों का पोटेंशियल तो सेम ही आएगा, तो वो कितना आएगा, आप I × R- से भी निकाल सकते हो, या तो आपको पता है कि टोटल पोटेंशियल 24 है EMF, में से 15 इधर चला गया, तो इसमें कितना बचेगा, 9 वोल्ट, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर आप I × R- कर लो, I कितना है 15/2, R- कितना है, R- है 6/5, ठीक है, 10^ में कैंसिल कर देता हूँ वैसे ही, तो ये आ जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप।
तो ये हमें पोटेंशियल पता चल गया। अब हमें क्या पूछा है दूसरे ऑप्शन में, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरएल इज 18 वोल्ट। आरएल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना आया बच्चों, 9 वोल्ट, मतलब कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरी चीज, द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन आर वन एंड आर टू इज 3। तो हमें आर वन और आर टू में जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो निकालना है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है पी वन बाय पी टू इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ वी वन स्क्वायर बाय आर वन इस टू वी टू स्क्वायर बाय आर टू। हमें वी वन और वी टू दोनों पता है, ठीक है। वी वन मतलब कि वी आर वन और वी टू मतलब कि वी आर टू, वो आप समझ जाना। तो वी वन मतलब हमने निकाला है 15 वोल्ट, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आर वन मतलब कि 2 किलो ओम इनटू, अब मैं आर टू को ऊपर लिखूंगा, आर टू हमारा हो जाएगा 6 किलो ओम, तो किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वी टू, तो आर टू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 9 वोल्ट का, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 × 15 × 6 डिवाइडेड बाय 2 × 9 × 9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखना, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से भी एक 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 × 3 = 5 और 2 × 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 25 और नीचे बचेगा बच्चों 3। तो मतलब कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 25 × 3 आ रहा है, और हमें गिवन है कि रेशियो पावर डिसिपेटेड इन आर वन एंड आर टू इज 3, मतलब कि ये तो गलत हो गया बच्चों। तो अब हमारा एक ही आंसर बचता है जो कि सही है, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इजी था बच्चों, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप जाना था। तो आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।